हाई गाइज, आई एम पूजा एंड आई एम मदर ऑफ 3 ईयर्स ओल्ड सन. मेरे बेबी ने रिसेंटली 3 ईयर्स कम्प्लीट किए हैं एंड एज अ मदर मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा उसके लिए ढूंढती रहती हूँ जिससे कि मैं उसको एंगेज रख पाऊँ. ही इज़ वेरी एक्टिव चाइल्ड और एक चीज़ से बच्चे बोर भी हो जाते हैं. तो रिसेंटली मैंने मंगाई है लव लैप की राइड ऑन, उसी का रिव्यू मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. आप इसे अर्ली एज में भी अपने बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं और इससे क्या होता है कि जब बेबी के डेवलपिंग एज होती है, अभी तो मेरे बेबी 3 ईयर्स का हो गया है, बट जो अर्ली एज होती है उसमें क्या होता है कि बेबी को ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं, उसको डेवलप करने में हेल्प करता है. ये हेल्प करता है आई कोऑर्डिनेशन को डेवलप करने में. जब बेबी राइड ऑन को पुश करके चलाता है, स्पेशली ये जो लेग्स होती हैं उसको स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है और बेबी की फिजिकल एक्टिविटी को एंकरेज करता है. इफ़ आई शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, अभी बेबी 3 ईयर्स के बाद भी उसको इतना इंजॉय कर रहा है और ये बहुत इजी है घर में क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कॉम्पैक्ट सा उसका साइज है. एट द सेम टाइम आप देखिए 3 ईयर्स का बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है बट अभी भी उसकी एज अप्रोप्रिएट है. प्रोडक्ट और बहुत इंजॉय कर रहा है वो, एक जगह से दूसरी जगह फ्लैट्स में भी ज़्यादा जैसे स्पेस नहीं होता है तो आप आराम से उसको अपने घर में रख सकते हैं. इनफैक्ट इन सोसाइटी ऑल्सो वो सोसाइटी में भी बाहर भी उसको काफ़ी इंजॉय करता है. तो ये प्रोडक्ट जो है मुझे बहुत ज़्यादा यूजफुल लग रहा है एंड स्पेशली जब बेबी कुछ इंजॉय करता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो हमें लगता है कि हमारे पैसे वसूल हो गए हैं. अदरवाइज अगर एक बार कोई चीज़ रिजेक्ट कर देना तो वी ऑलवेज फील किया यार ये इसने ना इट्स ऑल वेस्टेज ऑफ मनी. बट आई मस्ट से ये जो प्रोडक्ट है मेरा बच्चा बहुत इंजॉय कर रहा है एंड आई एम फीलिंग कि सारे ही बच्चे से बहुत इंजॉय करेंगे. बहुत ही कॉम्पैक्ट है और इसमें बैक सपोर्ट भी दिया गया है जिसकी हेल्प से बेबी को सपोर्ट रहता है और उसके गिरने का इधर उधर ज़्यादा कोई चांस रहता नहीं है बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसे असेंबल कैसे करना है. इसे असेंबल करना बहुत ही इजी है. बाकी के पार्ट्स ऑलरेडी अटैच्ड थे, सिर्फ ये फ्रंट व्हील स्टेयरिंग मिला था मुझे अलग से और साथ में इसके मिले थे स्क्रू. तो नीचे की साइड में जो इसके कार के होल दिखाई दे रहा है, इस होल में आपको नीचे से ये जो फ्रंट व्हील्स है उसको इंसर्ट करना है और ऊपर की साइड पे जो स्टेयरिंग है उसको अटैच करके उसके बीच में एक होल है जिसके अंदर आपको स्क्रू जो है उसको इंसर्ट करके उसको बस टाइट कर देना है. बस इतना करते ही आपकी जो राइड ऑन है वो असेंबल हो जाएगी एंड आपका बेबी इसे खूब इंजॉय करेगा. ये जो स्टारलाइट राइड ऑन है ये बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है. इट्स अ किड्स पुश कार और ये प्रीमियम ग्रेड वर्जिन पीपी प्लास्टिक मटेरियल से बना है. इट इज़ कम्प्लीटली नॉन टॉक्सिक एंड ऑर्डरलेस जो बेबी की स्मूथ राइड को इंश्योर करता है. इसकी जो कैपेसिटी है ये अप टू 25 kgs ले सकता है और ये आप 12 मंथ्स प्लस बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो एज अ पेरेंट हमें हमेशा फिक्र लगी रहती है कि कहीं हमारे बच्चे को चोट नहीं लग जाए. जो इसमें बैक रेस्ट दिया गया है वो बेबी को बैक सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इसका जो स्टेयरिंग है, कई बार क्या होता है स्टेयरिंग बहुत ही हार्ड होता है बट ये बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, बहुत ही स्मूद है इसका स्टेयरिंग. जैसे जैसे बेबी जिधर करता है तो बहुत ही स्मूदली ये राइड करती है. और इसमें म्यूजिक बटन्स भी दिए गए हैं. अच्छा, इसका एक और फीचर है जो मेरा बेबी बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है. इसमें क्या दिया गया है ना, जो सीट है उसमें स्टोरेज दिया गया है तो अभी वो सारे अपने जो टॉयज़ होते हैं सारे उसके अंदर भर लेता है और उसके अंदर रख के फिर वो उसको राइड करता है. उसको बहुत अच्छा लगता है अपना उसमें स्टोरेज को यूज़ करना. जैसे वो कार्स में देखता है बड़े लोगों को अपनी डिगी को यूज़ करते हुए, तो वैसे ही वो करता है अपने टॉयज़ अपने स्टोरेज में रख लेता है फिर उसको राइड करता है अपने टॉयज़ को अपने साथ रखना. तो ये वाली चीज़ बच्चा बहुत इंजॉय करता है. ये जो राइड ऑन है दिस इज़ ISI सर्टिफाइड जो बेबी की सेफ्टी को इंश्योर करता है. जो म्यूज़िक होता है वो स्टेयरिंग व्हील पे जो बटन्स दिए गए हैं उसकी हेल्प से प्ले होता है और जो म्यूज़िक बटन है उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है तो इंडोर अगर बेबी जब उसको यूज़ करता है तो किसी और को ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं होता. इसके जो व्हील्स दिए गए हैं ये काफ़ी स्टर्डी हैं. तो कई बार जैसे मैंने आउटडोर की बात की है तो आउटडोर में कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि स्मूथ सर्फेस हो, थोड़ा बहुत ऐसा वैसा सर्फेस होता है जो स्मूथ नहीं होता है. जो इसके व्हील्स दिए गए हैं वो बहुत ही स्टर्डी हैं, उनका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है तो ये बेबी की सेफ्टी को भी इंश्योर करता है. और क्योंकि अगर व्हील्स स्टर्डी नहीं होंगे, अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे और स्मूथ सर्फेस नहीं मिलेगा बेबी को तो उससे बेबी गिर भी सकता है और बेबी की सेफ्टी रिस्क में आ जाती है. तो इसमें ये वाला जो फीचर है इससे बेबी की आप सेफ्टी को भी इंश्योर कर सकते हैं.
सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई रियली होप आपने वीडियो इन्जॉय की हो. इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बाय दिस प्रोडक्ट फॉर योर बेबी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड आई इंश्योर यू क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेरा बेबी बहुत इन्जॉय कर रहा है तो डेफिनेटली इसे बच्चा बहुत इन्जॉय करेगा. इसका सारा जो कंस्ट्रक्शन है ना ओवरऑल इसका जो स्टोरेज है ये सब चीज़ें बहुत ही इन्जॉय कर रहा है. तो आई एम श्योर अगर आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कुछ अपने बेबी के लिए आप इसे ट्राई दे सकते हैं. इसका प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. एम आर पी से कम पे मिल जाता है. अमेजोन पर मैंने देखा है कुछ ना कुछ डिस्काउंट चलता ही रहता है. सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर.